इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा फैसला। क्या है ये बड़ा फैसला? 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ। तो बड़ी खबर, इस वक्त की गुनहगारों का डेथ वारंट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, निर्भया कांड जो 2012 में हुआ, 7 साल बड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट लोअर कोर्ट ने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर दिया। यानी कि अब डेथ वारंट जारी होने के बाद 14 दिनों के अंदर फांसी देने का प्रावधान है। पटियाला हाउस कोर्ट से यह बड़ा फैसला आया है। अब इसके मायने क्या है? कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है अपराधियों में, या अपराधियों को संवैधानिक हक कोई अभी बाकी है? हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत लगातार इस मामले को लंबा खींचते रहे दोषियों के वकील या दोषी, उसके बाद अब जाकर ऐसा फैसला आना, निर्भया के परिवार वालों के मनमर्जी मुताबिक ऐसा फैसला आना, 22 जनवरी को आपको बता दें सुबह 7 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर किया है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी कर दिया है, जिसकी अपील लगातार निर्भया की मां उनका परिवार कर रहा था। देश की भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें थी, और उन उम्मीदों पर आज फैसला देते हुए डेथ वारंट पर, या डेथ वारंट को जारी कर दिया गया। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 2012 जो ये पूरा कांड हुआ, जिसके बाद ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया दहल गई थी, यकीनन इंसानियत को शर्मसार करने वाला बहुत बड़ा यह मामला था, और उस मामले में आखिरकार अब लगता है मुकाम तक पहुंचने को यह पूरा मामला 22 जनवरी को। जैसे ही डॉक्यूमेंट जेल से कोर्ट ने आदेश किया है जेल अथॉरिटी को, जेल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा मुझे, उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलते ही हम सिक्योरिटी पिटीशन और इसकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे, और उसको लगते डिसीजन होने के बाद अगर उसमें रिलीफ आए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद। अच्छा सिंह साहब, 14 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेल कर सकते हैं? अगर नहीं अवेल कर पाते तो क्या? सिंह साहब, हमारे पास है जो डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे, जब डॉक्यूमेंट मिलते ही हम उसको फाइल करेंगे, और उसके बाद अंकित कुमारन स्टिल सम काइंड ऑफ यू नो जजमेंट से आगे और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं घटेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। मैं 22 तारीख को कैसा दिन होगा? मैम, वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा।